Good morning to everyone. Myself Sumesh Kumar Singh from my channel Sankalp Academy Plus, and we have started the new video. This is the first video of my that channel, and in which we start the basic chemistry of class 12th up to board examination, also with NEET, JE Mains and JE Advanced. मैं ये चैनल अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ इस पे हम लोग 12th की केमिस्ट्री का सबसे पहले स्टडी करेंगे और साथ में हम लोग उस लेवल को टच करेंगे जो हमारा JE Mains एडवांस और नीट के स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं. आई होप आप इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे. जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं सुमेश कुमार सिंह लगभग 6 ईयर से केमिस्ट्री की फैकल्टी के फॉर्म में काम करता हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे आपको मैं थ्योरेटिकल थॉट्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने बेसिक आपके टॉपिक्स होंगे उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा. तो लेट अस सी आवर फर्स्ट चैप्टर, आवर केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री. देन आफ्टर व्हाट अबाउट द आवर चैप्टर्स, हमें 12th में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इन विच पार्ट वी स्टडी, फिजिकल में कितने पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक में कितने पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक में कितने पढ़ने हैं और जनरल में केमिस्ट्री में हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, और अकॉर्डिंग टू आवर प्रिपरेशन ऑफ नीट, जेई मेंस एंड एडवांस, हाउ मच क्वेश्चन अटेम्प्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन कम फ्रॉम आवर ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑल्सो द जनरल केमिस्ट्री. तो आई होप सारे स्टूडेंट काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं. मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पूरे चैप्टर्स में से कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव व्यू से या फिर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन से किस किस परसेंटेज क्वेश्चंस चैप्टर से कितने कितने आते हैं, वो सारे चैप्टर्स को मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं. लेट अस सी द बेसिक. फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री, that is chemistry. Everyone know that the first part is that physical chemistry. Physical chemistry. The second part is that organic. Organic chemistry. Third part is that inorganic. Inorganic chemistry. And last part is that general chemistry. First of all, some basic about the chemistry. What is chemistry? Everyone know that what is chemistry, but now we start that our channel. So first of all, what is chemistry? Chemistry means a study of that chemical substances, their natures, their behavior, their characters and what about the uses in our daily lives. Chemistry का मतलब होता है कि उन सभी chemical substances के बारे में study करना, जो chemical substance का क्या हमारे लिए use है, वे substances का क्या feedback है, क्या उनके characters हैं और वो कैसे हैं, क्या उनका बिहेवियर्स है, वो सारी चीजों की स्टडी हम साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नो दैट मैटर, मैटर मीन्स व्हाट अबाउट मैटर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर्स, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ सम मैटर्स. लाइक एक मैटर का अगर मैं नाम बोलूं से सोप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में हम लोग क्या जानेंगे, अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं सोप का तो क्या जानेंगे, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ सोप, सोप का केमिकल नेचर क्या है. तो हम लोग देखेंगे सोप का केमिकल नेचर क्या है, दैट्स आर द बेसिक इन नेचर, वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सोप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाउ कैन प्रिपेयर द सोप, सोप को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सोप दैट इज कॉल्ड सोपनिफिकेशन. जैसे सोपनिफिकेशन एक रिएक्शन है, तो वहां से हम लोग पढ़ेंगे सोपनिफिकेशन क्या होता है. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ दैट सोप इन आवर डेली लाइफ, उस सोप का हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है, तो हम लोग देखेंगे दैट्स आर यूजिंग फॉर द वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, दैट्स आर यूजिंग फॉर द आवर डेली लाइफ फॉर द वॉशिंग पर्पस. क्लियर? तो दैट्स इज द केमिस्ट्री इन विच वी सिंपल मेजर दैट सोप. First of all, what is soap? Then after, what is the chemical nature of soap? Then after, how can prepare the soap? Then after, what is the usage of soap in our daily life? That is called the chemistry. That is called the chemistry. But first of all, how many types of chemistry in our daily life apps? या फिर अपने chemistry को कितने parts हम divide करते हैं? In the previous concept, the first of all, the chemistry will divide into three parts. Physical, organic and also the inorganic. But in some days we study the new terms that is called the general chemistry. यहाँ पे कुछ दिनों से हम एक नया chemistry के बारे में study कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, general chemistry है. Let us see the first topic that is called the physical chemistry. What is physical chemistry? Then divided into that physical मतलब physical means physics plus chemistry. Physics plus chemistry. Some terms which are be related with physics and some are be related with chemistry. कुछ ऐसे terms हैं which are be both be same in physics and chemistry. Like force. That is called intermolecular force. Everyone know that intermolecular force, the force between the two molecules, that is called the intermolecular force, which is the maximum in case of solid state, some less than in liquid, and the negligible in gases. That's intermolecular force. We also study in physics and also study in chemistry. Which topic we are studying? Kinetic, molecular theory में हम लोग क्या करते हैं, study करते हैं. That's kinetic molecular theory. We also study in physical chemistry, means chemistry, and also study in physics. So we can say that kinetic molecular theory is the terms of physical chemistry. अब इस टॉपिक से केमिकली जितने रिलेटेड टर्म्स हैं, वो सारे केमिकली रिलेटेड टर्म्स का हम स्टडी कहां करेंगे, तो केमिस्ट्री में करेंगे. और किस केमिस्ट्री में करेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे. वी नो दैट स्टेट ऑफ मैटर, द वन स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट. Is the topic in which solid we also study in physics, and solids their chemical nature we also study in the chemistry. Means some terms which are related to physics and chemistry, both in common terms, that is called the terms will be studying in the chemistry, that is called the physical in physical chemistry. Like solid state, like electrochemistry. Means a study about anode, cathode, electrode, electrolytes, Faraday law, clear? Or cell, Daniel cell, Faraday Daniel cell, electrolytic cell, dry cell, वगैरह. ये सारे terms जो है वो physics से related है और chemistry से related है. Solution क्या है? तो solution से जितने सॉल्यूशन का जो टॉपिक है उसमें बार बार हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर की बात करते हैं. तो टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, एवरीवन नो दैट फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में पढ़ना है. तो ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं, जो कॉमन टर्म्स को हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, और ये जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री. तो ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स दोज टर्म्स विच रिलेटेड विद द फिजिक्स, दैट टाइप ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री. Clear? Now, we start our the name of lessons of our class 12th. Generally, हम लोग जो अभी batch start किए हैं वो class 12th का है. तो 12th के कौन कौन से ऐसे chapters हैं जो हमें physical chemistry में पढ़ने हैं, आइए हम लोग देखते हैं. The first chapter is called solid state. Solid state. Too much good chapter. Second chapter we study that solution.
Second chapter we study that solution. And the third lesson we study that electrochemistry. And the fourth lesson we study that surface not surface sorry in the fourth lesson we study that chemical kinetics. In solid state we study about the nature of solid, lattice वगैरह की हम बात करेंगे. In solution we study about the too much good topics like the Henry law, Rod's law, very very important topics like the elevation of boiling point, colligative properties. Too much good topic we study in the solution. In electrochemistry we study about the Faraday's law. Then after Nernst equation gives free energy with relation with the potential differences, and also study about the what is the dry cells and the type of cells like dry cells and also the mercury cells. Lots of experiment we will be studying. And in the chemical kinetics we will study about the rate of reaction, like the how much rate of reaction depend, what is the factors on the rate of reaction depend, and we study about the rate of reaction how can be increases by the help of catalyst, what is activation energy, molecular reality. Lots of topic will be study in the case of chemical kinetics. Now the organic chemistry, the brain of the chemistry. Organic chemistry is the brain of chemistry. And in this topic we study the very very important chapters. The first is called Haloalkane and Haloarene. This is the chapter which is the too much important for our board examination and also for the competitive examination, because in this reaction we study the naming best reaction, that is called the Swart reaction, that is called the Sandmeyer reaction, Friedel-Crafts reaction, Finkelstein reaction, and also the Urge reaction, Grignard reagent. Wow, that is the too much important reaction of Grignard reagent. That type of lots of other examples will be available in case of Haloalkane and also the Haloarene. So let us continue the next lesson of that organic chemistry, that is called the alcohol, phenol and ether. Alcohol, phenol and ether. Is alcohol is same with phenol or not? When we topic comes then we will know about that, is the same or differences. But in alcohol phenol the two reaction will be too much important, everyone know that Colby's reaction and also the Reimer-Thymer reaction. Means alcohol and phenol is also a best reaction in which we study about the how can form the alcohol from alkene like dehydration, nitration, sulfonation, and also about the next reaction is the too much important reaction which is called the Williamson synthesis. Means that is the totally dependent upon the how can form the unsaturated ether, how can we prepare, that is called the alcohol phenol ether. And third lesson we study about the biggest part of the organic chemistry, that is called aldehyde, ketone and carboxylic acid. This is क्या बोल सकते हैं हम इसको, इट इज मतलब पूरी अगर ऑर्गेनिक का 12th का अगर सबसे बिगेस्ट पोर्शन है तो वो हमारा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. बिकॉज इन दिस रिएक्शन टू मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन विल बी अवेलेबल, लाइक स्टीफन रिएक्शन, लाइक द रोजेनमंड रिएक्शन,
like the aldol condensation, Kenzaro reaction, and the best reaction of the carboxylic acid, that is Kolbe's electrolysis. So we can say that this is also a strongest point for the organic, that is aldehyde, ketone, and also the carboxylic acid. Now we start the fourth lesson, which is also an important and the good reaction topic, that is amine, that is amine. In this chapters we study how can form amine, how many types of amine, how can converted amide into amine, what is the carbyl amine reaction, Hoffman bromamide degradation. Lots of reaction will be comes in case of amine. In this reaction diazonium salt, a new topic will be comes. So organic chemistry is also a good part, also a good part for our chemical reaction. In organic chemistry now comes that in the first lesson in inorganic chemistry we study about that. The first lesson is that extraction of metals means metallurgy. How can metal will be extracted from their ores? What is the difference in between the minerals and ores? How many types of ores? And what is the technical uses for the extraction of metal from their ores? And the different types of method like the force flotation method, like the calcination, roasting, different reactions will be available for that, zone refining. And also the different types of Van Arkel reaction, Van Arkel method, lots of reaction will be studied for the extraction of metal. The next, too much biggest part of that chemistry, P block element, wow, that is the good reaction chapter, P block element, in which we study nitrogen family, oxygen family, halogen family, in which this reaction, the good reaction will be takes place, like the contact process, like the NAS, like the contact process. Phir iske baad se aata hai kaun sa, to iske baad se aata hai aapka Haber's process aa jata hai, phir iske baad se aata hai Ostwald process. Aur bhi bahut sare topic, bahut bada chapter hai, hum log jab iski baat karenge. And the third last topic is that D and F block elements. And the fourth lesson, which is the too much important for the competitors, students, coordination compound. And the general chemistry contain the first part, that is called polymer, also a good chapter. And next is that use of chemistry in our daily life. The one chapter which we left in our organic chemistry, that is called biomolecules. This chapter many teachers left that, telling that this chapter will be a study in our biology. And biologists tell that you will be a study in the field, in the chemistry. But it is too much important for those students which are preparing for the NEET. Because without biomolecules, how can you know about the molecules which are related to your body? Like the carbohydrate, like the proteins, lipids, fats, vagara vagara. And what is the terms which are related with the biomolecules in the biology? We can't be a study without the biomolecules. बट मैं इस टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूं. हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स. अब हम लोग देख लेते हैं कि किसका कितना परसेंटेज आता है, किसका कितने परसेंट आते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक का जो सबसे बिगेस्ट, सबसे पूरी केमिस्ट्री का जो बिगेस्ट पार्ट है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा अरेंज किए जाते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड द परसेंटेज ऑफ दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट 60%.
सबसे बिगेस्ट पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन के व्यू से, वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, वो आपका कंपटीशन हो, वो आपका नीट हो, वो आपका जेई मेंस हो, वो जेई मेंस या फिर जेई एडवांस हो, या कोई भी कंपटीशन अगर केमिस्ट्री से तुम व्यू कर रहे हो, वो आपका ओलंपियाड भी क्यों ना हो, दैट्स द मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम क्लास 12 फ्रॉम 60% क्वेश्चन अराइजेड फ्रॉम आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Next, our 12% questions taken from physical chemistry. Other, kitna hua? Next, 10% question will be taken from inorganic chemistry. 18. And last, not 10. 18. And अगला जो हमारा 18% है, वो 18% हम लोग लेते हैं किससे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. अदर 60 एंड 18, 78 और 2, 80 और 10, कितना हुआ? 90. एंड 10% टेकन फ्रॉम द जनरल केमिस्ट्री. दिस इज द वेटेज फॉर द केमिस्ट्री ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ आवर कंपटीशन लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, ओलंपियाड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा सोचा, क्यों ना हम उस टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट करें जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिससे आपके कंपटीशन में भी ज्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं, और जो केमिस्ट्री का ब्रेन भी है. समझ चुके होंगे आप लोग कि वी स्टार्टेड द केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आवर फर्स्ट लेसन इज दैट हैलो अल्केन एंड हैलो एरेन. तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप लोग नोट कर लीजिए. तो इस बीच में हम लोग अपने चैप्टर पे कंटिन्यू करें, और अपना चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा ऑर्गेनिक का सबसे फर्स्ट लेसन है, दैट इज कॉल्ड हैलो अल्केन एंड हैलो एरेन. दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, like hello alkane and hello arene. First of all, the topic we started that is hello alkane. What is hello alkane? The hello alkane is made from the two word, that is hello and also the alkane. Hello and also the alkane. Hello, babu kya hota hai? Hello means halogen. And alkane, everyone know that single bonded hydrocarbon. मीन्स ये दोनों हैं, हैलोजन एंड अल्केन. सो दैट इज कॉल्ड हैलो अल्केन. बट हाउ कैन फॉर्म
हैलोजन इंडिकेटेड बाय एक्स. हैलोजन को कैसे इंडिकेट करेंगे? एक्स से. एंड एक्स इज एवरीवन नो दैट एफ सी एल बी आर एंड ऑल्सो द आई. एफ दैट इज कॉल्ड फ्लोराइड, सी एल दैट इज कॉल्ड क्लोराइड, बी आर दैट इज कॉल्ड ब्रोमाइड एंड आई दैट इज कॉल्ड आयोडाइड. ये हैलोजन की होंगे जो आएंगे अटैच होंगे अल्केन के साथ. अल्केन यू डू नो दैट द जनरल फॉर्मूला इज दैट CnH2n plus 2. But now question will be raised, how can form haloalkane? The answer is that halo plus alkane. That is called haloalkane. Means alkane minus H plus halogen, that is called haloalkane. अल्केन से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, या मोर देन वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे. और रिप्लेस करने से जो हाइड्रो का जो डेरिवेटिव बनेगा हाइड्रोकार्बन का, दैट्स डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हैलोअल्केन. उसे हम क्या कहेंगे? हैलोअल्केन कहेंगे. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल. लाइक द एनी एग्जाम्पल ऑफ अल्केन, लाइक द CH4 replace the one hydrogen by the halogen. Halogen, आप कुछ भी ले लो, like Cl2, that's how can form? They can form CH3, Cl plus HCl. That CH3Cl is type of haloalkane, but how can? Everyone know that CH4 is written that this type. क्या करना है इसे? One hydrogen replace करना है. किसके प्रेजेंस में? हैलोजन के प्रेजेंस में. लाइक एच एंड सी एल एंड कन्वर्टेड इन टू CH3Cl प्लस HCl. दैट्स हियर इज अल्केन, हियर इज हैलोजन एंड CH3Cl इज दैट Cl इज हेलो एंड CH3 कम फ्रॉम अल्केन, सो दैट इज कॉल्ड हेलो अल्केन. एंड देयर नेम इज दैट क्लोरोमीथेन. मीन्स वी कैन से दैट द हेलोअल्केन कैन बी फॉर्म और हेलोअल्केन विल बी फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन बाय द हेल्प ऑफ हेलोजन, दैट इज कॉल्ड हेलो अल्केन. मीन्स हाउ कैन वी डिफाइन दैट? So we can define that about haloalkane is that removal of hydrogen from alkane by the halogen known as haloalkane. अल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पर क्या जोड़ा जाए? हैलोजन को जोड़ा जाए, तो जो भी फॉर्म होता है तो दैट इज कॉल्ड द हेलो अल्केन. क्या सिर्फ यही बन सकता है? नहीं, और भी हम बना सकते हैं. लाइक एनी एग्जांपल, लाइक C2H6, रिमूव द वन हाइड्रोजन एंड कन्वर्टेड इनटू एडिशन ऑफ एनी हैलोजन, कोई भी आप लगा लो, लाइक Br2. तो ये किस में कन्वर्ट होगा? That's converted into one hydrogen removal like C2H5, Br plus H and also the Br, they can HBr. Like C2H5, that is called haloalkane. How can tell that haloalkane? Like alkane, which is called ethane. Br, that is called bromine, and here is halogen. And both combined, so that is called haloalkane, which name is bromoethane. Their name is that bromoethane.
ethane. Means, in the simple words, we can say that when one or more than one hydrogen displaced from the alkane by the help of halogen, that is called formation of new compound, and that compound is called haloalkane. Or the simple words, we can say that removal of hydrogen from alkane by the halogen known as haloalkane. Means those compound which is formed by the removal of hydrogen from alkane by the help of halogen, that compound is called haloalkane. But how can you find that ki which compound is alkane, which compound is haloalkane? Means what is the identification for the haloalkane? Haloalkane ka kya identification hai? How can you find that that compound is haloalkane? Now take a screenshot, then after start the next topic, identification of haloalkane. Now, the topic is that identification of haloalkane. क्या पहचान है कि कोई compound haloalkane है या नहीं है? तो students, the simplest way, इसके लिए सबसे simplest way है यह है that single bonded carbon also with halogen, single bonded carbon also with halogen known as haloalkane. रूल ये है कि आप इजीली पहचान सकते हो कि जिस कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो और वो हैलोजन के साथ लगा हुआ, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हैलोअल्केन कहते हैं. कैसे? तो एग्जांपल से देखो, पहचान करो. CH4 है ए नंबर, ये CH3Cl है बी नंबर, और ये है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl लगा हुआ है, C नंबर है. इसमें आपको फाइंड करना है विच कंपाउंड इज हैलोअल्केन, विच कंपाउंड इज हैलोअल्केन. बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बेसिक से हम लोग कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को देखते हैं, क्या ए हमारा हैलोअल्केन है? तो एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर कर लो, यही होता है ना. अब क्या कहता है रूल? सिंगल बॉन्डेड कार्बन ऑल्सो विथ हैलोजन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन बट हियर नो हैलोजन. तो जब यहां हैलोजन नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये हैलोअल्केन, हैलोअल्केन नहीं होगा, हैलोअल्केन नहीं होगा. ये क्या होगा बाद में बात करेंगे, बट बेसिक सबको पता होगा, दैट इज कॉल्ड अल्केन. ये क्या होगा? अल्केन होगा. बी पे आते हैं, क्या बी क्या होगा? मुझे नहीं पता है क्या होगा, बट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं एक बार, और ये हो गया हमारा Cl. Here we see that carbon is also single bonded also with Cl. What is Cl? Cl is a type of halogen. So that is haloalkane. ये haloalkane है, बिल्कुल है. See, CH2 double bond CH and also the Cl. ये क्या है? रूल इज दैट सिंगल बॉन्डेड कार्बन बट हियर इज डबल बॉन्डेड कार्बन ऑल्सो विथ हैलोजन. क्या ये हैलोअल्केन है? क्या ये हैलोअल्केन है? आप खुद से सोचो, नहीं है. इट मीन्स
अब हमें समझ में आया कि हैलोअल्केन होने के लिए क्या चाहिए, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, हैलोजन होना चाहिए। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और हैलोजन है तो दैट इज हैलोअल्केन। अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और हैलोजन नहीं है तो दैट इज नॉट ए हैलोअल्केन, दैट ओनली फॉर अल्केन, वो सिर्फ क्या है, अल्केन है। तो ये आपको पता हो गया कि हैलोअल्केन कैसे पहचान करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हैलोअल्केन के लिए क्या कोई अदर भी रूल है या नहीं है। अनदर रूल है, एक छोटा सा एक और रूल है जिसको हम लोग, उससे हम लोग पहचान कर लेंगे कि वो हैलोअल्केन है या नहीं है। द सेकेंड रूल इज दैट, सेकेंड वे इज दैट क्या वो हैलोअल्केन है या नहीं है। इसका सेकेंड वे है, वी फॉलो द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1+X। ये वाले रूल को फॉलो करना चाहिए, CnH2n+1+X रूल को फॉलो करना चाहिए। कहते हैं कैसे सर, मान लेंगे, प्रूफ कर देते हैं। C1 एक कार्बन वाला हैलोअल्केन का हम लोग थोड़ा जनरल फॉर्मूला लिखें, तो C1H2 × 1+1+X, तो C1H2 × 1, तो 2 × 1 2+1+X, दैट इज C1H3X, दैट इज CH3X। हियर इज दैट CH3X। अगर X के जगह पे हम Cl लगा देते हैं तो हमारा सेम वैसे ही आ जाएगा जैसा हमारा क्वेश्चन था, CH3Cl CH3Cl। कोई भी दूसरा भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे तुम्हें कोई कंपाउंड दिया है, दो कार्बन का आपको हैलोअल्केन लिखना है C2 का, तो दो कार्बन एकदम बेसिक से स्टार्ट है, बेसिक एकदम जिसका बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, तो ये हो जाएगा C2H2 × 2+2 C2 × 2+1+X, दैट इज C2 × 2 = 4 × 1 = 5 H5X, दैट इज हैलोअल्केन। ये भी हैलोअल्केन है, दो कार्बन वाला ये क्या है, हैलोअल्केन। तो दैट्स इज द फंडा बाय विच वी कैन नो दिस कंपाउंड इज हैलोअल्केन और दिस कंपाउंड इज नॉट ए हैलोअल्केन। क्या ये हैलोअल्केन हो सकता है क्या, सोचो क्या ये हैलोअल्केन हो सकता है क्या, हो सकता है क्या ये हैलोअल्केन। कहते हैं कैसे प्रूफ होगा, तो ध्यान से देखो, एवरी ज्वाइंट हेड कार्बन, दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, साइक्लिक रिंग। सब जगह कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या लगा है, दैट्स कॉन्टेन द हैलोजन, सो दैट इज ऑल्सो ए हैलोअल्केन। ये भी क्या है, हैलोअल्केन है। फिर से समझो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के साथ साथ हैलोजन लगा है, तो ये भी हैलोअल्केन है, बट ये कैसा हैलोअल्केन है, तो साइक्लिक हैलोअल्केन है, साइक्लिक हैलोअल्केन है। क्या ये हैलोअल्केन हो सकता है क्या, क्या ये हैलोअल्केन हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, ये नहीं, नहीं हो सकता है। क्यों, कार्बन कार्बन के बीच सर तो सिंगल बॉन्ड है ना सर, इधर तो देखो ना, एक डबल बॉन्ड भी तो है। ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन विथ हैलोजन, सो दैट इज नॉट ए हैलोअल्केन, इसलिए हैलोअल्केन नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्या हो सकता है, तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे हैलोअल्केन का वहां पे, कि कैसे हैलोअल्केन को क्लासिफाई किया जाता है, उस क्लासिफिकेशन में जब हम देखेंगे कि हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन होता है, तो वहां पता चलेगा कि ये कंपाउंड क्या है। दैट इज द बेसिक अबाउट द हैलोअल्केन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बेसिस फॉर द हैलोअरिन, हैलोअरिन का क्या बेसिस है, व्हाट इज द डिफिनेशन, कौन से कंपाउंड हैलोअरिन होंगे, कौन से कंपाउंड हैलोअरिन नहीं होंगे। आई होप यू लाइक दैट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू द अदर्स एंड व्यू दैट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।